और अब एक खास बात, आरजे रामशास्त्र के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलाईगढ़ एसडीएम के एलसोरी और नायब तहसीलदार अश्वनी चंद्रा ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई विभागों में व्यवस्था सही नहीं होने पर फटकार लगाते हुए तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने संबंधी विभाग को निर्देशित किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। इसी कड़ी में बिलाईगढ़ एसडीएम के एलसोरी, नायब तहसीलदार अश्वनी चंद्रा व नगर पंचायत अधिकारी प्रदीप मिश्रा सहित पीएचई विभाग अधिकारी द्वारा भड़गांव जल आवर्धन का निरीक्षण कर जायजा लिया गया। वहीं नगर में पाइपलाइन कार्य की जानकारी ली गई, साथ ही साथ पूरे नगर में जल्द से जल्द पानी सप्लाई करने निर्देश दिए ताकि लोगों को पानी की समस्याओं का सामना न करना पड़े। वहीं एसडीएम सोरी ने भटगांव क्षेत्र के डॉक्टर सत्येंद्र जायसवाल हॉस्पिटल का निरीक्षण कर मरीजों का हालचाल जाना। आपको बताते चले कि महिला बाल विकास परियोजना कार्यालय भटगांव व परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर धान उपार्जन केंद्र भटगांव का निरीक्षण किया तथा धान खरीदी की जानकारी ली। वहीं धान उपार्जन केंद्र भटगांव में लापरवाही का आलम भी देखा गया। भारी मात्रा में धान अंकुरित देख फड़ प्रभारी को तत्काल जानकारी देने निर्देशित किया तथा शासन प्रशासन को कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित करने आश्वासन दिया। अंतिम कड़ी में एसडीएम के एल सोरी, नायब तहसीलदार अश्विनी चंद्रा और सीएमओ प्रदीप मिश्रा सहित पत्रकार बंधुओं ने नगर पंचायत कार्यालय में बैठ वार्ड नंबर 12 झूमरपाली वासियों को आवास का लाभ दिलाने चर्चा परिचर्चा कर आंकलन किया और दिशा निर्देश निकाल तत्काल जिला मुख्यालय भेजने कहा ताकि सभी को आवास का लाभ दिलाया जा सके। मैं सबसे पहले बोर्ड परीक्षा चल रही है उसमें हायर सेकेंडरी स्कूल बालक और कन्याशाला का मैंने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया, नकल के प्रकरण नहीं पाए गए। उसी प्रकार भटगांव में स्थित एक सत्येंद्र जायसवाल का हॉस्पिटल है, उसका मैंने निरीक्षण किया, उसकी पूरी जायजा लिया, काफ़ी पेशेंट वहां पे इलाज के लिए हैं। उसके बाद मैंने यहां पे जल आवर्धन योजना के अंतर्गत आम जनता को जल उपलब्ध कराने के लिए बनाई जा रही योजना का निरीक्षण किया, इनटेक वेल का किया, ट्रीटमेंट प्लांट का किया, पर अभी पाइपलाइन बिछाने का कार्य अधूरा है, उसे जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीओ पीएचई भी मेरे साथ में उपस्थित थे। उसके बाद मैंने परियोजना कार्यालय महिला एवं बाल विकास का निरीक्षण किया। यहाँ पे परियोजना अधिकारी का पद खाली होने से जिला कार्यक्रम अधिकारी परियोजना अधिकारी के चार्ज पे हैं और मुझे जानकारी दी गई कि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण बच्चों का केंद्र बंद है। और उसके बाद मैंने धान खरीदी केंद्र भटगांव का निरीक्षण किया है, काफ़ी मात्रा में परिवहन हुआ है पर काफ़ी खुले धान पड़े हुए हैं। मैंने यहां के प्रभारी अधिकारी को निर्देश दिया है कि विधिवत व्यवस्थित रूप से ढक करके रखें, समय समय पर मौसम खराब हो रहा है, किसी प्रकार के धान अंकुरित न हो, नष्ट न हो और शासन को कोई क्षति न हो। फिर भी मैंने देखा फड़ में बहुत सारे धान अंकुरित हो चुके हैं और निश्चित ही यदि कोई घाटा यदि होता है, निर्देश के बावजूद यहाँ का प्रभारी अधिकारी यदि उचित व्यवस्था नहीं किया है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी होगी। और गाड़ियाँ परिवहन के लिए लगी है पर काफ़ी मात्रा में अभी परिवहन धान का होना बाकी है, लगभग 25,000 क्विंटल अभी परिवहन होना है। यहाँ जो फैली अव्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बिलाईगढ़ से राजू निराला की रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।